इमोशनल थ्रिलर है, बच्चों के ऊपर कहानी है, हाँ, और सिबलिंग राइवलरी भी है। हम जैसे मैं जब बात कर रहा था कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दो हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली का जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ, सब कुछ जो हो सके करता है मेट्रोज में, लेकिन बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं देखते हैं। दौड़ भाग में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते ही नहीं हैं। तो ये इसी चीज़ को बेस पे रख के ये कहानी लिखी गई है। 3 तारीख को रिलीज़ है, फिल्म है, बड़ा स्टार कास्ट आना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा यह था ही कि मैं पहले कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाऊँगा, अब बच्चों के साथ खेलूँगा, बच्चों की फिल्म होगी, और बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चों में स्टारिज्म होता नहीं है और बच्चों से बड़ा स्टार कोई होता नहीं है। बुक चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिल्म चल जाएगी, फिल्म चल जाएगी तो बुक ऑटोमेटिकली चल जाएगी, तो कुछ भी चलेगी तो जीत तो मेरी होने वाली है। क्या बात है, क्या प्रिपरेशन ऐसी होगी छोटी बजट की फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ जो पूरे भारत में रिलीज हो रही है, एक भी ऐसा टेरिटरी नहीं है जो हमने छोड़ा है, पूरे समस्त भारत में, इनफैक्ट केरल में फिल्म रिलीज़ हो रही है, तमिलनाडु में इस तरह की फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं इतना लकी हूँ कि ये फिल्म, मेरी फिल्म जो है तमिलनाडु में भी रिलीज़ हो रही है, आसाम में भी रिलीज़ हो रही है, केरल में भी रिलीज़ हो रही है, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ। ये जो फिल्म का टॉपिक है डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग है, और जब संदीप जी ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं रो दिया था, इतनी इमोशनल कहानी थी। इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं लकी हूँ कि ये जो करेक्टर मुझे करने को मिला और मैं इस करेक्टर को जिया हूँ, आई रियली इन्जॉय दिस करेक्टर। और ये एक संदेश भी देती है ये फिल्म, जो आज का जो माहौल है, बच्चे और पेरेंट्स कैसे आपस में दूर होते जा रहे हैं, तो उसको एक बहुत अच्छा मैसेज देखे जाती है कि इन सब हालातों के साथ आप बच्चे को किस तरह से आप उसको अपने से दूर ना रखें। तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, टेक्निकली बहुत बेहतरीन फिल्म है, अच्छी कहानी लोगों को देखने को मिलेगी और एक अच्छा संदेश भी उनको। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि महावन और मैं अदृश्य में सोनाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मेरा और ध्रुव जो अदृश्य में अब्दुल प्ले कर रहे हैं, मेरा और इनका जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, मैं इनकी नानी का रोल प्ले कर रही हूँ, तो काफ़ी मज़ा आया इनके साथ काम करके। सैंडी बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और जब स्टोरी हम लोगों ने सुनी तो स्टोरी सुनने के बाद में इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि बच्चों के बारे में ये स्टोरी है, बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं जब घर में दूसरा बच्चा आता है, तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने अपने अपने रोल्स पे काफ़ी काम किया, और संदीप ने हम लोगों को काफ़ी हेल्प किया टू गेट इन टू। हेलो, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान इस्माइल शेख, मैं इस मूवी में ध्रुव का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेन लीड का। और जैसे मेरा जो पहला सीन था जो ट्रेलर में भी है, गेट खोल के अंदर आना, वो सीन में सर ने मेरा बहुत सीन किया था, वो मिल नहीं रहा था, वो गेट जल्दी खुल नहीं पा रहा था, बहुत टाइट गेट था, तो उसमें सर ने बहुत मेरा सीन लिया है। और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो भी सर ने मेरा जो एक सीन है जो मैं भागते हुए आ रहा हूँ उसमें मेरा डर का भी जो दिल में डर था वो निकाल दिया है सर ने। श्योर, वाई नॉट। संदीप चटर्जी मतलब एक बहुत अच्छा राइटर भी है ज़्यादा मेरे ख्याल, उन्होंने स्पेशली हमारे पास इंट्रोड्यूस के लिए मिस्टर रवि इज इंट्रोड्यूस मी टू मिस्टर संदीप, तो ये स्टूडियो में आए थे हमारे ऑडियो लैब में, तो उन्होंने कहानी सुनाई, तो कहानी भी मुझे अच्छी लगी, उससे अच्छे इंसान अच्छे लगे, तो हमने सोचा चलो मिल गया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो दीपक जी इज जॉइंड अस एंड दीपक जी ने बहुत कॉपरेट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ मी वी एबल टू फिनिश फिल्म ऑल्सो, तो सारे इस तरह आगे बढ़ते गए एंड अब तो 3 दिन आफ्टर 3 डेज 4 डेज वी आर गोइंग टू रिलीज द मूवी ऑल्सो। तो सभी लोग बोलते हैं वो डिफिकल्ट होता है, मैं भी मानता हूँ डिफिकल्ट होता है, मैं भी खुद देखता हूँ साल में 30-40 फिल्म हमारे यहाँ पे भी बनता है, मे बी उससे भी ज़्यादा, तो बट वी आर सो ग्रेटफुल फॉर आवर सब्जेक्ट एंड डायरेक्टर कि हमारा ऑल इंडिया क्लोज हो चुका है, हमारा ऑल इंडिया क्लोज हो चुका है, और स्पेशली वी आर रिलीजिंग इन तमिलनाडु एंड केरला, जो हिंदी फिल्म भी नहीं होता है वहाँ पे भी 25 सिनेमाज बुक हो चुके हैं हमारे, सो लाइक वेयर वी लाइक इट्स वेरी ग्रेट सक्सेसफुल फॉर अस ऑल्सो। यस डेफिनेटली, बच्चों की कहानी है जिसमें टिंच ऑफ हॉरर है, तो बिल्कुल अलग सा लगा कि इतना प्यारा सा हॉरर है कि आप डर से नहीं जाओगे, जो है ना लाउड हॉरर नहीं है। तो पहली बात तो ये एज एन एक्टर हम ये सोचते हैं यार कि एक डायरेक्टर ने हमें अप्रोच किया है, स्टोरी सुनते स्टोरी बहुत प्यारी लगी,
और कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था, और जो एज एन एक्टर आई लुक यू नो फॉरवर्ड टू डू अ यू नो गुड रोल. तो मुझे ये लगा कि पूरी मूवी में जो स्ट्रगल है एक बच्चे को साइकोलॉजी को पढ़ना समझना, जो उसका स्ट्रगल है उसके साथ, यू ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा कैसे है, तो थ्रू आउट द मूवी यू सी मी. सो आई थिंक यू नो एंड एज यू आस्क, ये ना समझे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है किसी भी बच्चे को, तो उस तरीके से इस पूरी फिल्म को व्यू किया. और मेरा कैरेक्टर एक साइकेट्रिस्ट का है जो इसमें पूरी फिल्म की जो बिखरी हुई कड़ी है उसको जोड़ता है और कैसे वो पिक्चर पूरी आगे जाती है. इस फिल्म में ऐसा हो गया कि प्रोड्यूस के साथ साथ ऑल इंडिया रिलीज भी हम खुद ही कर रहे हैं, तो एक्चुअली दीपक शाह जी भी हमारे साथ में भी है. तो बेसिकली क्या होता है कि अच्छा लगना चाहिए, सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, टच होना चाहिए. तो भी हुआ कि मारते रहते हैं क्रिमिनल्स को या ऐसा, आपको ये नहीं करना. मैं कहा यार ये तो मैं यही करता हूँ, इसी के लिए तो मुझे बुलाया जाता है. तो इस फिल्म में जो है ये कॉमिक कैरेक्टर का जो है मुझे दिया गया है कि एक आप सर आप जो है एक पुलिस ऑफिसर तो रहेंगे लेकिन उसमें कॉमिक जो है जहाँ पे एक लाफ्टर की ज़रूरत है, आप सतर्कता दिखाएंगे, आप केस सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें कॉमिक. विश संदीप एंड हिज टीम अ ग्रेट सक्सेस एंड आई फील दैट हिज मेडन वेंचर विल सर्टेनली बैक हिम डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड. ही हैज वर्क्ड वेरी हार्ड एंड ही इज़ वेरी इमोशनली अटैच्ड टू द फिल्म एंड वी आर प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट एंड आई विश हिम लक. इतनी बधाइयाँ देना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था दुबई में अप्रैल में, और ये फिल्म ऑलरेडी इतने अवार्ड्स जीत चुकी हैं लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल से लेकर डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, 8 फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हो चुकी हैं और अवार्ड्स जीत चुकी हैं. तो आई थिंक जो हम हमेशा देखते हैं कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसके कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म इज़ रियली टचिंग क्योंकि आप आज कोई भी उम्र के हैं, आप बच्चे हैं तो आप ये फील कर सकते हैं, बड़े हैं तो फील कर सकते हैं, आप टीनेजर हैं तो आपको आपका बचपन याद आएगा, पेरेंट्स की याद आएगी. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट कॉन्टेंट फिल्ड फिल्म जिसमें एडवेंचर भी है और बहुत सारा थ्रिल भी है एंड इमोशंस हैं. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज विच गोज स्पेशली हमारे कंट्री में इंडिया में जो हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं ऑफ लीनियर फैमिली, कि हम उसको किस तरह से बैलेंस कर सकें, किस तरह से हम समझें बच्चों के मन में क्या फीलिंग है, उनके दिलों में क्या बीतती है, हम तो काम पे चले जाते हैं लेकिन बच्चे क्या फील करते हैं. सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, स्टार कास्ट इज अमेजिंग, मुझे इनका ट्रेलर इतना पसंद आया.